एवरीवन, ये जो कार्ड्स ट्रिक्स हैं बहुत ही अमेजिंग हैं और जैसे कि आपने देख लिया होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूनिक ट्रिक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये टीचिंग देने वाला हूँ, यानी कि इस मैजिक को रिवील करने वाला हूँ। इस मैजिक को मैंने किस तरीके से किया था और आप कैसे इसको कर सकते हो, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। वीडियो को आगे तक जरूर देखो। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक तो कंप्लीट कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बढ़िया माइक ट्रिक्स मैं आपको इसी चैनल के ऊपर सिखाता रहता हूँ। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो यार कैसे मोटिवेशन बनेगा और कैसे हम नया नया माइक ट्रिक आप लोगों को सिखाएंगे। तो यार एक लाइक तो बनता है, कॉमेंट करो और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के द्वारा हम सिखाते रहते हैं आपको ढेर सारा मैजिक ट्रिक्स। तो चलो यार सीखते हैं इसके पीछे का राज क्या है। तो इस मैजिक को करने के लिए हमें चाहिए डबल कार्ड, जैसे कि देख सकते हैं मैंने जैक ऑफ स्पेड्स यूज़ किया है, डबल कार्ड चाहिए। तो अगर आपके पास कोई डबल कार्ड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप अदर्स कार्ड से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एक दूसरा फाइल जो कि देख सकते हैं जैक ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ क्लब्स, चाहे तो आप किंग ऑफ हार्ट्स एंड जैक ऑफ हार्ट्स से कर सकते हैं, किसी भी कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसके साथ आप नहीं कर सकते, बट एक्चुअली मैं आज की इस वीडियो में आपको जैक ऑफ क्लब से दिखाऊंगा, सॉरी जैक ऑफ स्पेड से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें अंदर का ये जो हिस्सा है इसको हमें काट के निकालना है, इसकी वजह से हम यूज़ करने वाले स्केल और नॉर्मल ब्लेड, तो इसके माध्यम से हम इसको काट करेंगे। तो गाइस एक्चुअली देख सकते हैं हमने इसको जो है काट कर लिया है और अब बीच का हिस्सा हमें हटा देना है, बट एक्चुअली मुझे लगता है कॉर्नर में थोड़ा बहुत बाकी रह गया है, तो हमें दोबारा इसको ब्लेड से और एक बार काटना पड़ेगा। और जैसे कि इसको ये जो ट्रिक है इसको जितना अच्छे तरीके से आप बनाएंगे उतना अच्छा देखने में भी लगेगा, तो हम सही तरीके से काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए और एक बार हम इसके ऊपर ब्लेड को अच्छे तरीके से लगाते हैं और देखते हैं अच्छे तरीके से काटने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली देख सकते हैं हमने इसको परफेक्ट तरीके से कट कर लिया है, बट अगर फॉलो करेंगे तो देखिए साइड में थोड़ा सा आगे पीछे छोटा बड़ा हो गया है, तो हमें ये काट कर लेना है। तो इसको बिल्कुल बराबर होना चाहिए और आपको ये जो हिस्सा देखने को मिला है इसको हमें कैंची से कट कर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जो है कार्ड को कट करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा कैंची से इसको बराबर कर लेते हैं। तो अभी हमारा जो कार्ड्स हैं एक्चुअली देख सकते हैं ये परफेक्ट है और आपको बिल्कुल इसको परफेक्ट तरीके से काट करना होगा। तो अभी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो कुछ इस तरीके से सबसे पहला एक कार्ड हमें काट कर लेना है। तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं दूसरा जैक ऑफ स्पेड्स जिसको हमने अभी भी काट किया, सेम कार्ड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम मोड़ लेंगे। इनका एक कॉर्नर जो है ये जो साइड है देख सकते हैं ये जो बॉर्डर देखने को मिल रहा है ये बॉर्डर को छोड़ के बाकी हिस्से को हम इसको मोड़ लेंगे। ओके, तो हम इसके लिए स्केल के माध्यम से इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्चुअली देख सकते हैं गाइस मैंने इसको मोड़ लिया है और आप फिलहाल देख सकते हैं कितना मैंने मोड़ा इसको, तो ज़्यादा होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो अब करना क्या है, इन दोनों के साथ इस तरीके से ग्लू के माध्यम से हमें चिपकाना है। तो हम यूज़ करने वाले हैं फेविकॉल, चाहे तो आप डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं, डबल साइड टेप जो होते हैं, तो मेरे पास फिलहाल अभी नहीं है तो मैं इसको फेविकॉल से चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट एक्चुअली आपके पास कुछ भी हो तो चिपकाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ग्लू को अच्छे तरीके से लगाने के बाद अब हम दूसरे जो कार्ड्स हैं उसको चिपका देंगे, बट एक्चुअली अगर आपके पास डबल साइड टेप है तो उसमें सबसे बेटर होता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी हम इनको चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो चिपकाने का तरीका है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, परफेक्ट आपको दोनों कार्ड को मैच कराना होगा। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाता है तो बिल्कुल मैजिक नहीं कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल कोशिश कर रहा हूँ इसको बराबर चिपकाने का, बट ग्लू की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, अगर डबल साइड टेप होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। सो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं एक्चुअली हमारा जो गिमिक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। आप सामने की तरफ से देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता, पीछे से देखेंगे तो भी आपको कुछ भी पता नहीं चलता, बट एक्चुअली आपको कैसे परफॉर्मेंस करना है, कैसे इनको दिखाना है उसके बारे में चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पर कुछ डोर के जैसा हो गया है सिस्टम, देख सकते हैं ये डोर लग रहा होगा, ठीक है। तो बहुत इजी सा तरीका है और बहुत आसान सा मैजिक है। देखिए मैंने पीछे कितना चिपकाया, ज़्यादा तो चाहिए नहीं चिपकाया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक गिमिक बना लेना है, मैं फिर से आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। और ये जो साइड होता है यानी कि ये जो कार्ड्स होते हैं वो पीछे होते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं हाथ को ऐसे दिखाऊँ तो आपको पता चल रहा होगा, तो कार्ड बिल्कुल पीछे होता है, तो हम इजीली दिखा सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, सामने की तरफ दिखा सकते कुछ भी नहीं है, पीछे भी दिखा सकते कुछ भी नहीं है, और फिर जब हम हाथ को आगे लेके जाते हैं तो कार्ड को उंगली के माध्यम से आगे लेके आ जाते हैं। अगर सामने से दिखाऊं तो कुछ ऐसा। ओके,
तो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है आगे पीछे, और जस्ट 1, 2 and 3। और फिर आपको ऐसे पकड़ना है और दिखाना है कार्ड, और पीछे घुमा के दिखाना है कार्ड। तो सामने से या पीछे से दोनों तरफ से आपको बिल्कुल नॉर्मल कार्ड लगता है, बट एक्चुअली ये गिमिक की वजह से किसी को पता नहीं चलता। और आपको पकड़ना कैसे है, दिखाना कैसे है, आप जब कार्ड को पकड़ते हैं तो देख सकते हैं मैंने नीचे से थाम से पकड़ा है, ठीक है, और ऊपर जो है मिडिल फिंगर से मैंने पकड़ा है, और ये जो हमारा फर्स्ट फिंगर है हम इससे कार्ड को खींच के रखते हैं, ठीक है, ऐसे। और जब हम इस तरीके से हवा में दिखाते हैं, खाली दिखाने के बाद जब हम ऐसे हिलाते हैं तो इस फिंगर से हम कार्ड को धक्का देते हैं, ठीक है, कार्ड को धक्का देते हैं और आगे चला जाता है। अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ठीक है, हम ऐसे पकड़ते हैं, दिखाते हैं, सामने से कुछ भी नहीं है, पीछे से कुछ भी नहीं है, उंगली दबा के दिखाते हैं, और जस्ट हिलाने के टाइम जस्ट इस फिंगर से हम क्या करते हैं, ऐसे दबाते हैं और आगे लेके जाते हैं, और फिर ऐसे रखते हैं, और सामने की तरफ से देखने में लगता है कि यह नॉर्मल कार्स हैं, और पीछे दिखाते हैं नॉर्मल है। तो गाइस बहुत इजी सा तरीका है, आप भी इजीली इसको बना सकते हो, और अपने दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, रोड पे कहीं पर भी आप दिखा सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग मैजिक। तो यार आशा करते हैं इस गिमिक के बारे में आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कैसे इसको परफॉर्मेंस करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही सिंपल और इजी सा स्टेप्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप भी इसको कर सकते हो। तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है, मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मुझे लगा कि ये मैजिक मैं नहीं सिखाऊंगा, बट यार चलो आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने ये ट्रिक सिखाया है। बट प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना, और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे बहुत सारा वीडियो आ चुका है, एंड स्क्रीन पे जाओ जाकर देखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।